हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई क्यू हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ज़ेबुन निसा, जिसका मतलब है मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल वुमेन। एम्परर औरंगजेब की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लाडली बेटी थी। ये अपने सूफी फेथ और पोइट्री में पैशनेट इंटरेस्ट की वजह से जानी जाती हैं। तो मैं आज आपको ले आई हूँ नवाकोट मुल्तान रोड के इलाके में दुकानों और रिहायशी घरों में घिरे हुए टॉम पर। इस टॉम को ज़ेबुन निसा से एसोसिएट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये टॉम उसने खुद 1669 में कंस्ट्रक्ट करवाया, जो कि उस वक्त एक ब्यूटीफुल और मैसिव गार्डन के बीचों बीच था, चौबुर्जी मॉन्यूमेंट तक फैला हुआ था। लाहौर में मुगलिया दौर की जितनी भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई, उन सब के गुंबद राउंड शेप के होते हैं, पर इस टॉम का डोम सबसे यूनिक चौरस शक्ल का है। इस दरवाजे के पीछे एक कुआं है और कहा जाता है कि इस सुरंग से होती हुई शहजादी ज़ेबुन निसा अपने बुजुर्ग उस्ताद से कुरान पाक की तालीम लेने जाया करती थी। इस चौकोर बिल्डिंग के चारों तरफ तीन तीन मेहराबें बनी हुई हैं। दूसरी मुगल बिल्डिंग्स की तरह इस टॉम के भी डेकोरेटिव फीचर्स और एलिमेंट्स को रंजीत सिंह ने बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत से प्रीशियस स्टोन्स और कॉस्टली मटेरियल यहां से उतार के लाहौर फोर्ट में मौजूद हजूरी बाग की कंस्ट्रक्शन में लगवा दिए। 2 साल पहले इस टॉम की बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया है। ये रही शहजादी ज़ेबुन निसा की ग्रेव, जो कि प्योरली वाइट मार्बल से बनाई गई है। कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि ज़ेबुन निसा को दिल्ली में दफन किया गया और ये किसी मुगल वजीर की ग्रेव है, पर इस बात में कितनी सदाकत है कोई नहीं जानता। खैर, वाइट और ब्लैक मार्बल और संगे बदल से बनाया गया उस दौर का फर्श आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस फ्लोर का टाइल वर्क जहांगीर टॉम के फ्लोर से सिमिलर है। इस टॉम के अंदर की गई नक्काशी और काशीकारी, जो कि मेहराबों के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके और महारत के साथ की गई है। इस वक्त भी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सीलिंग पर भी सेंटर ऑफ द टॉम बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न बनाया गया है। ये सारा डेकोरेटिव वर्क और संगमरमर से बनी हुई जालियां ट्रू इस्लामिक आर्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब हम चल रहे हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं इस टॉम की बनाने वाली हूँ ड्राइंग। बट मैंने ड्राइंग के लिए जो पिक्चर ली है वो कंस्ट्रक्शन से पहले की है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें असल को पहचानना चाहिए और असल को ही बनाना चाहिए, यही तो खूबसूरती है। तो मैं आज जस्ट पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ और पेंसिल के साथ ही ड्राइंग और स्केचिंग करूँगी। अभी मैं सरसरी सी ड्राइंग कर रही हूँ। मैंने जो ये इमेज लिया है वो थोड़ा फोरशॉर्टनिंग में लिया है। पेंसिल मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कलर ये जाहिर करता है कि किसी चीज़ पर तवज्जो ना दी जाए तो वो फीकी और मांद पड़ सकती है। बिल्डिंग के एक्सटीरियर से सारा डेकोरेशन वर्क तो उतार लिया गया था, और आपको पता है कि जब एक चीज़ पेस्ट कर दी गई हो और उसको वहाँ से उखाड़ लिया जाए तो एक जस्ट ढांचा ही रह जाता है। खैर, मैंने ज़्यादा ही कोई फ़िलॉसफी वाली बातें कर दी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। मैंने पेंसिल इसलिए यूज़ की क्योंकि मेरा दिल कर रहा था यूज़ करने को,
और अब रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद ये टॉम भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है और ज़ाहिर है कि हमारे मुग़ल एम्परर्स की याद दिलाता है। तो आप लोगों से भी मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ जाके विज़िट ज़रूर करिएगा। जब आप पेंसिल से कोई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग की शेडिंग कर रहे होते हैं तो वो फेस के किसी फीचर्स पर की गई शेडिंग से थोड़ा डिफरेंट होती है। फेस के फीचर्स पर जो शेडिंग होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है, जबकि आर्किटेक्चरल बिल्डिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो उस पर हम लीनियर शेडिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग और मेरी ड्राइंग अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरा अपकमिंग व्लॉग और ड्राइंग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।